क्या आपको याद है 90s का वो दौर और उस दौर का वो इलेक्शन कैंपेन, सड़कों पर चलते रिक्शे, उसमें लाउडस्पीकर्स की आवाज़ें, वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बैनर्स, घर घर जाके पर्चे बांटना, वो सब याद है आपको? क्या आपने कभी सोचा है हमारे एंसेस्टर्स जो पूर्वज थे हमारे, कैसे अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे जब भाषा का भी विकास नहीं हुआ था? और क्या है आज का मीडिया जब हमें अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी होती है? क्या बदलाव आया है उस ट्रेडिशनल मीडिया से आज के सोशल मीडिया का? बस यही है आज का हमारा टॉपिक। हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल मीडिया की। जैसे ही कोई ये नाम लेता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले तीन चीज़ें क्लिक होती हैं, प्रिंट, रेडियो और टीवी। लेकिन इनसे भी पहले, जब ये चीज़ें नहीं आई थी, भाषा भी नहीं थी, तब हमारे पूर्वज जो कम्युनिकेशन के माध्यम यूज़ करते थे, कैसे अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे, वो भी हमारे ट्रेडिशनल मीडिया में ही आता है। तो आज हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे उस टाइम से जब भाषा नहीं थी, तब उस दौर में कैसे हमारे पूर्वज कम्युनिकेट करते थे, कैसे दीवारों पर चित्र बना के या मिट्टी में चित्र बना के वो अपने इमोशंस, अपनी सोच दूसरे तक पहुँचाते थे। फिर हुआ भाषा का विकास, लिपियाँ बनी, फिर दौर आया नौटंकियों का, ड्रामों का, लोग कैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप को जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि आपको ये मैसेज जनता तक पहुंचाना है, वो अपनी एक्टिविटीज़ से, अपने जेस्चर से, गा बजा के अपने तरीके से बात को कम्युनिकेट करते थे। राजा एक देश से दूसरे देश राजदूत भेजा करते थे जो राजा का मैसेज लेके जाते थे। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता था, दूरियों पर डिपेंड करता था, और अपनी जनता तक बात पहुंचाने के लिए वो बड़े बड़े ढोल, नगाड़े या मुनादियाँ जिसे कहते थे, उनका यूज़ करते थे कम्युनिकेशन के लिए। वो सब भी ट्रेडिशनल मीडिया का ही हिस्सा है। फिर दौर आया न्यूज़पेपर का, रेडियो का और टीवी का। वो सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार की सुर्खियां पढ़ना, वो विविध भारती पर गानों के प्रोग्राम का वेट करना, वो दूरदर्शन पर 8 बजे की न्यूज़ का इंतज़ार करना, उसका दौर भी अलग था। जैसा कि आप नोट कीजिए कि पहले का जो दौर अभी मैंने बताया, उसमें लोग ही कुल मिलाकर आपस में मीडियम थे। किसी एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को कम्युनिकेट किया, आपस में ही लोग मीडियम का काम कर रहे थे। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी जब आई हमारे कम्युनिकेशन में, जब न्यूज़पेपर और टीवी और रेडियो का विस्तार हुआ, तब मीडियम्स जो हैं वो बदल गए। अब लोग कम हो गए मीडियम्स में, फिर इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज पहुंचने लगा, लोग कम्युनिकेट करने लगे कि टीवी से उन्हें पता चल गया या अखबार से या रेडियो में उन्होंने कोई खबर सुन ली। तो लोगों का मीडियम जो बनना था वो इस दौर से उस दौर में थोड़ा कम हो गया। फिर दौर आया सोशल नेटवर्किंग का। यहाँ पर लोग एज अ मीडियम और कम हो गए, बल्कि ख़त्म हो गए। लोगों को तुरंत क्विकली अपना मैसेज मिल जाता है, 2 मिनट में खबर या कोई भी वीडियो उनके मोबाइल फ़ोन पर होती है। यहाँ कोई दुर्घटना या यहाँ कोई चीज़ घटित हुई और वहाँ उनके पास खबर पहुँच गई। ये है सोशल मीडिया की ताकत, ये है सोशल मीडिया कि जल्दी से बिना किसी टाइम लगाए आप तक अपना मैसेज करने में एक पावरफुल मीडियम का रोल निभा रहा है। ट्रेडिशनल मीडिया में जहाँ सेंडर ही डिसाइड करता था कि क्या चीज़ न्यूज़ है और क्या चीज़ न्यूज़ नहीं है, या वो प्रोड्यूसर या एडिटर डिसाइड करता था कि ये चीज़ हमें लोगों तक दिखानी है खबर के तौर पर और ये नहीं दिखानी, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आज के दौर में बिल्कुल वो चीज़ चेंज हो गई है। आज रीडर या व्यूअर डिसाइड करता है कि क्या चीज़ न्यूज़ है और क्या एक महज खबर है, सेंसेशनल एक वायरल वीडियो है। आज इन्फॉर्मेशन का भंडार है, पर रिसीव करने वाले बहुत कम हैं। आज हर कोई प्रोड्यूसर है और हर कोई कंज्यूमर है।
अगर कंपैरिजन को लेके चलें ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया को, तो जहाँ ट्रेडिशनल मीडिया में वन टू ऑल कम्युनिकेशन होता है, वहीं सोशल मीडिया एक स्पेसिफिक माइंडसेट, मतलब वन टू वन कम्युनिकेट करता है। तो ट्रेडिशनल मीडिया में जहाँ वन टू ऑल, जहाँ एक मीडिया हाउस से एक बहुत बड़े ग्रुप को जब कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसका उसके वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, जहाँ वन टू वन मतलब सोशल मीडिया में जहाँ इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक माइंडसेट को दी जा रही है, वहाँ ये वेरिफिकेशन का ना तो टाइम है और ना ज़रूरत इतनी समझी जाती है। आज के रीडर को, आज के व्यूअर को ये डिसाइड करना है कि क्या चीज़ न्यूज़ है, कौन जर्नलिस्ट है, कौन नहीं है। एक अपनी सोच किसी ने अपनी YouTube के प्लेटफॉर्म पे डाल दी, अपना ओपिनियन डाल दिया, तो क्या वो खबर है, क्या हम उसे खबर मानेंगे, ये आज रीडर को डिसाइड करना है। क्या कोई जिसे अच्छा एक कैमरा चलाना आता हो, जिसे बोलना आता हो, क्या वो एक जर्नलिस्ट है, क्या उसकी खबर पे हमें भरोसा करना चाहिए, ये रीडर को और व्यूअर को ही डिसाइड करना है। कौन सी खबर सच है और कौन सी नहीं है, ये भी उसे ही डिसाइड करना है। मतलब कुल मिला के सही सब खबर की जो जिम्मेदारी है वो व्यूअर के ऊपर आ गई है, जो पहले ट्रेडिशनल मीडिया में सेंडर या भेजने वाले की या प्रोड्यूसर की हुआ करती थी। लेकिन हाँ, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि आज का ट्रेडिशनल मीडिया सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसको जब भी किसी खबर की ज़रूरत पड़ती है तो वो सोशल मीडिया पर जाके ही उसको स्क्रॉल करता है, ढूंढता है। पर जो टाइम ट्रेडिशनल मीडिया लगाता था उसके वेरिफिकेशन में, जो उसको टाइम मिलता था, मतलब आज भी जब कोई खबर घटना से, घटना स्थल से आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचती है तो मिनिमम, मतलब गाइडलाइंस के अनुसार, एक घंटा उसे लगना चाहिए, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। वो कितने आंकड़े जो बता रहा है वो सच है या नहीं, कितना उसमें ऊपर नीचे की हेर फेर है, वो चेक करने के लिए मिनिमम एक घंटा चाहिए। बट आज के ज़माने में तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ देनी होती है, वो बाद में आप भले अपॉलॉजी नीचे चला दें कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा था, पर कहीं ना कहीं वो जो वेरिफिकेशन का टाइम है वो ख़त्म हो गया है। तो ट्रेडिशनल मीडिया भी आज सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया में क्या डिफरेंस है, क्या बदलाव आया तब से लेकर और आज में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।